हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऋतिक रोशन की मूवी फाइटर का गाना इश्क जैसा कुछ सुनकर खत्म कराया। और सच बताऊं यार, ये गाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। मुझे सच में मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ इस मूवी के अभी तक दोनों ही गानों से। पहला गाना जो आया था वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था। जहाँ तक बात है इस गाने की, ये गाना भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मैं प्योर गाने की बात करूँ, ऑडियो की बात करूँ, मुझे सच में ना लिरिक्स ज़्यादा कुछ अच्छे लगे ना म्यूज़िक कुछ अच्छा लगा। सच में वो बेंचमार्क जो सेट होने चाहिए एक बड़ी मूवी के लिए वो कुछ नहीं है। मतलब आप सोच के देखो यार, जवान के गाने अच्छे थे, डेफिनेटली वो गाने भी उस टाइम उतने क्लिक नहीं हो रहे थे जब तक हमने मूवी नहीं देखी थी, लेकिन हाँ कुछ था उन गानों में, हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन इन दोनों ही गानों के साथ अभी तक वो वाइब मैच नहीं हुआ है। जहाँ तक बात है कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सच में ऋतिक रोशन के मूव्स देखना किसको पसंद नहीं आते यार। सच में वो जब डांस करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको बस देखते रहो, और वो देखने में सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दीपिका पादुकोण भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोनों की। अगर मैं बात करूँ ऋतिक रोशन की, उनकी बॉडी बहुत ज़बरदस्त लग रही है दोनों साथ में, उनकी केमिस्ट्री बहुत सही लग रही है। लेकिन जो म्यूज़िक है वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। देखते हैं ये गाना मूवी में किस तरह से यूज़ किया जाता है, और क्या ये मूवी में उसी तरह का मैजिक क्रिएट कर पाएगा जैसा बेशरम रंग ने करा था। क्योंकि बेशरम रंग ने जब मूवी में वो गाना आया था तो उसने एक टोन सेट करा था शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बीच में। तो क्या ये सेम वाइब क्रिएट कर पाएगा या नहीं, और नहीं कर पाता है तो क्या उससे बेहतर वाइब क्रिएट कर पाता है या नहीं, ये काफ़ी देखने लायक चीज़ होगी। बाकी पर्सनली मुझे गाने का ऑडियो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया है। बाकी अगर आप लोगों ने ये गाना सुन लिया तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।